अजी प्राजक्ता जी कह रही है, खुद से खुद के डर के आगे कैसे जाएं, डर की वजह से मैं अभी बीमार हो गई। खुद के डर के आगे कैसे जाएं, डर की वजह से मैं खुद बीमार हो गई। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो। एक क्वेश्चन हो गया। यानी कि क्या करो, यानी के ये इम्पोर्टेंट है, डर के आगे जीत कैसे है, यानी कि हमें बकवास करनी पड़ेगी। ये अभी हम करते हैं इसका एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करेंगे इसकी हम लिख कर। ओके डन। हाँ जी अगला, किसी से प्यार हो गया, खत्म नहीं सही काफी। दिस मच इज एनफ, डोंट ट्रस्ट मी एनफ, इसके आगे नहीं जाएंगे, हो गया बस खत्म। अगला, अवेयरनेस है ये भी हो गया, अवेयरनेस है हो गया, क्या करें, प्यार है तो हायर चक्रा पे हुए। अगर आपको प्यार हो गया और आपको अवेयरनेस है तो प्यार हुआ ही नहीं, प्यार है ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ये हो जाता है। आप जब अवेयरनेस पे आ जाते हैं तो फिर आप प्यार नहीं कर पाते, आप स्नेह कर पाते हैं। प्यार, ये ड्रॉबैक है, हायर लोअर चक्र है, ये ड्रॉबैक है। हाँ हायर चक्र है, लेकिन ये केतु का ही है, अभी इस पे हम पहुंचे नहीं ना, ये केतु का है। तीसरा है पर वो हायर चक्र पे। पेशेंस की बात कर रहे थे कि पेशेंस रखो, बट कैसे इन पेशेंस को टैकल कर सकते हैं, अगर शुरू से ऐसे ही पेशेंट हैं, या कैसे और पेशेंट हो सकते हैं इन जनरल। पेशेंट होने के लिए तो कोरोना बुला लो, देखो वो पूरी तरह पेशेंट ले आएगा। आप पढ़े रहोगे, बंदा नहीं बंदे की जात नहीं कोई, और यानी के मतलब हो गया फिर तो। पेशेंस इज नॉट अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आपको पेशेंस लानी है, क्यों लानी है, और पेशेंस जो और है ना, और ये और ही क्लेश है, और पेशेंस लानी है। सोचो एक वर्ड कमांड। सर इन्होंने बचने के लिए तभी इन जनरल लिख दिया, क्योंकि आपको और आप और पे बताते हैं। काफी है, आपको पेशेंस लानी है, और नहीं लानी है, और नहीं होती। मुझे खाना खाना है, और खाना, और कैसे खाओगे, पेट भर गया खत्म, फट जाएगा। और चाहिए, और मुन्ना को चाहिए, वो तो अनंत है, वो तो एक आदमी का टिंकू बिस्तर पे लेट गया, मरने को तैयार है, बिल्कुल खत्म, लेकिन ना मुन्ना खत्म होगा उसका, ना चाहिए। वो लेटे लेटे में बेड पे पड़े पड़े पाइप लगा रखे ऑक्सीजन के, सांस के, सबके, लेकिन उसको चलता रहेगा। मैंने ये करना था, मैंने लाल किला बनाना था, बनाना क्या था, मैंने तो खरीद ही लेना था, यही वाला सेल करना था, वो कुछ भी सोच पाएगा। इसलिए मुन्ना और छेनू नहीं मरते, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज है काफी है, काफी है यार, काफी तो है, क्या करना और कितना है? काफी है। अभी होगा जब ज्ञान होगा, ये ज्ञान कैसे होगा इस पर अभी हम आएंगे, पहले हमें यही होमवर्क पूरा कर लें, छठी पूरी कर लें, फिर दसवीं का सिलेबस भी करेंगे। वेट करो, ये भी मैंने लिख लिया, आएगा। और मैं बोल दिया करो, देखो ये बकवास अभी आएगा नहीं, ये आएगी बात, अभी ये जरूर, ये ज्ञान के लिए। यहां पर हम अग्नि को जब ऊपर, यहाँ पिछली बात से आगे ले रहे हैं, अग्नि को जब हवा में ले जाते हैं तो शानदार प्रज्वलित होती है, और खुला आकाश मिल जाए तो वो अग्नि जीवन दायनी है। हम अपने जीवन के अंदर जब मानसिक तौर पर ऊर्जा के तौर पर ऊर्जा के ही तल पे ऊपर उठते चले जाते हैं तो हम बेपरवाह होने की तरफ चले जाते हैं। बेपरवाह का मतलब कौन करेगा? कोई और करेगा, वो अदृश्य शक्तिमान परमात्मा, जिसके कारण से जीवन दायनी ऊर्जा हमारे अंदर चल रही है। हम देखा जाए तो हमारा बस किसी चीज पे नहीं चलता, हम सोचते मात्र हैं, एक्चुअली सब हो ही रहा है, और उसके लिए अगर हो रहा है तो परमात्मा की कृपा है। उस परमात्मा की कृपा समझ नहीं आती तो किसी और बीच के चैनल की कृपा है, पुल की कृपा है कि हमें इस छोर से उस छोर तक पहुंचा गया, जिसमें गुरु श्रेणी आती है। और गुरु कौन है? गुरु जी से पूछा गया, गुरु जी आपके गुरु जी कौन थे? बोले बेटा पता ही। पर कृष्ण जी से पूछा जाए, भाई तुम्हारे गुरु कौन थे? उनके शिक्षक और गुरु संदीपन ऋषि थे, लेकिन कृष्ण ने किसको गुरु बनाया? पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया, पूरे जगत, पूरी एग्जिस्टेंस, पूरी भीम को सबसे सीखा। जो सबका शिष्य बना वो सबसे बड़ा गुरु है, यानी कि उसने बच्चे से भी सीखा, उसने कुत्ते बिल्ली सबसे सीखा। आप सीखना बंद नहीं करते, आप लगातार बेहतरीन गुरु बनते चले जाते हैं, और फिर वो है जो परमात्मा के साथ आपके मिलन की दलाली करा सकता है। ब्रोकर मकान दिला देता है ना, ऐसा गुरु अध्यात्म का ब्रोकर है, वो आपको परम तत्व मिला देगा। परमात्मा मतलब क्या? मन शांत हो गया, आगे की दौड़ खत्म, और आगे और आगे, 10 का 20 30 50 अनगिनत, खत्म। और आप क्या हुए? आनंद। ये आनंद कहां आता है? यहां आता है, सामाजिक संसारिक। यह स्पिरिचुअल है, ये सामाजिक और संसारिक है।
ये यहाँ आनंद आता है। ये जो हमारा नीचे का है ये केतु आता है, केतु के पास सिर नहीं है। ये हमारे पांच चक्र इसके साथ एसोसिएटेड है। पूर्णता कब आती है? जब सिर और शरीर मिलता है। हमारे ये ठोड़ी इस राहु के निचले हिस्से को सबसे नीचे का बेस है, बेस। ये हमारी ठोड़ी, ये हमारे राहु का, हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा के शरीर का मूलाधार है। सबसे स्ट्रांग है ठुड्डी हमारी। इतना जबरदस्त प्रेशर हम जबड़े के बीच बना सकते हैं, 200 किलो का वजन उठाने जितना, इतना जबरदस्त प्रेशर, इतनी स्ट्रांग होता है ये, हमारा मैंडिबल बोलते हैं इसको, मूलाधार। अब इसके ऊपर हड्डी हो गई, ये हड्डी थी, इसके ऊपर क्या, पानी, ये आ गया हमारा मुंह, मुखारविंद, ये मुख हो गया, ये स्वादिष्टाना, ये चक्र ऊपर विस्थापित है, ये हमारा ऊपर आ गया जी। इसके ऊपर हमारा ये नेजल ओपनिंग है, यहाँ अग्नि होती है, गरम गरम होता है, गलम गलम सांस निकलती है, गलम गलम सांसें, ये गरम, ये गर्मी, ये हमारा नाभि है, ये हवा, यह हमारा नासिका पुटों में सांस लेने के लिए हवा का एरिया, ये हवा का एरिया है। इसके ऊपर ओपन दुनिया, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारा गगन तत्व हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसकी रेप्लिका है, हूबहू कॉपी। अब जो आखिर के दो चक्र एक्स्ट्रा आते हैं स्पिरिचुअल, ये चिज्जी चिज्जी चिज्जी, ये चिज्जी को कंट्रोल करने वाले चिज्जी के चक्र ऊपर। हमारा पेट पेट में खराब होने से नहीं होता, पेट में कहते हैं बात हजम नहीं हुई, तो बात क्या है, ऊर्जा है। बात कहां हजम नहीं हुई, बात यहां हजम नहीं हुई, इफेक्ट कहां आएगा, यहां। बात हजम हो गई, कहां हजम हुई, इस खोपड़ी में, इफेक्ट कहां आएगा, यहां। ठीक है, आपने दिल पे बात ली, बात कहां ली, यहां से ली, असर कहां आया, यहां, यहां असर आके भी इस पे आ जाता है, और इसका असर इस पे तो आता ही आता है। अब पगला इसे खराब करेगा, जो समझ गया वो उड़ा देगा। इसके ऊपर आ गया हमारा तीसरा नेत्र, ये वो नेत्र है जिसको पता है काफी है, जो कुछ धरती पर चल रहा है मेरा उसमें कोई रोल नहीं, सब हो रहा है, उस होए में जब मैं चल दिया तो मैंने कर दिया, जब होए मेरे साथ नहीं चला तो यार भगवान की मर्जी है। इसलिए टेंशन नहीं करनी। लोग 20-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, एक दिन आता है छोड़ना सीख जाते हैं, 20 साल बाद उठ जाते हैं, फिर कहते हैं देखा कितना मैंने कमाल किया, अभी भी नहीं सीखे, अब तुम स्वतः पिट पिटा के 20 साल बाद ऐसे हो गए हो कि परमात्मा तुम्हें दे रहा। यह है लीला, काफी है। अब मजे की बात, जब ये चक्र होता है तो यहां पर यह है नहीं, ये लीला का तीसरे नेत्र का ज्ञान का चक्र यहां नहीं है, यानी कि ये अकेला है। ये बायोलॉजिकली साइंस में भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, आधे ग्राम मटर के दाने जितना होता है ये, इसी से ये हमारा मास्टर ग्लैंड है, इससे सारा एंडोक्राइन सिस्टम चलता है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब सांस लेने का, रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्टिविटी का, डाइजेशन का, सर्कुलेशन का, सारे सिस्टम को वही चलाता है, इतना सा मटर का दाना। ये एंडोक्राइन सिस्टम चलाने वाला एरिया, यही हमारा तीसरा नेत्र, यही हाइपोथैलेमस, यहीं पर पाइनियल ग्लैंड, सब कुछ इधर ही है। ये तीसरा नेत्र हमारा द्वार है, गेटवे टू गॉड, और ये है ऊपर सत्चित्त आनंद, तीन सेक्शन के अंदर। ये इस पर आना, जब आप इस चक्र पे आ जाते हैं तो माया आपको लुभाती नहीं। तो जो लोग कम नॉलेजेबल है, कम विजडम के हैं, लेकिन ये जानते हैं, विजडम समझ ले, ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का मतलब है त्याग दिया, यानी ज्ञान क्या है ये भी छोड़ दिया। जेन सभ्यता में, जेन साहित्य में ये बात कही जाती है, जेन ध्यान को कहते हैं, जापान में बहुत मशहूर है ये ज्ञान मार्ग है, उसमें ये कहा जाता है कि जब मैं जीवन शुरू किया तो मैं लकड़ी काटता था, पानी पीता था, खाता था, सो जाता था, उसके पश्चात मैंने खेती बाड़ी की, मैं लकड़ी काटता था, खाना खाता था, पानी पीता था, सो जाता था, फिर मैं ज्ञान मार्ग पे चला गया और ज्ञानी बन के, जेन मास्टर बन के मैं लकड़ी काटता था, खाता था, पीता था और सो जाता था। यानी मैंने बीच की यात्रा में जान लिया जो कुछ किया वो मूर्खता थी, मैं और के लिए दौड़ा, लेकिन आखिर में ज्ञान मार्ग पे आके मैं वापस वैसा ही हो गया जो शुरुआत थी, और इसी में ही शांति है। हमें क्या मिला? धन मिला, हाँ। नींद मिली? पता नहीं। हमें क्या मिला? नाम मिला, हाँ। क्या वैभव मिला? हाँ। शांति मिली? नहीं। आखिर में मनुष्य कहता है यार ये चीजियां तो मिल गई, एनर्जी के तौर पे जो है ना ये नहीं मिल रहा। फिर मनुष्य चीजों को छोड़ देता है और लकड़ी काटता है, खाता है, पीता है और सो जाता है। हाँ जी, पर क्या ये जरूरी नहीं है कि मुझे पता हो कि सच में जो मैं कर रहा हूँ यही अल्टीमेट है?
क्योंकि जो वो जर्नी थी उसके बाद उसे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था वही सही था, अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर तो मैं मेरे इंसान होने का क्या, फिर तो मैं और जानवर बराबर ही थी। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि एक यात्रा चल पड़ी मनुष्य की, और उस यात्रा के अंतर्गत अगर उसे पता ही नहीं कि भाई क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा हूं, तो वो तो जानवर की तरह जिंदगी जी ही चले जा रहा है। अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, अधिकतर लोग संसार में पीड़ित हैं, दुखी हैं, बाबाओं के पास, बंगाली बाबाओं के पास चले जाते हैं, पंडितों के पास चले जाते हैं, महाराज के पास चले जाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी क्या है। जिस महाराज ने 1,00,000 रुपया लेकर एसी गाड़ी में बैठ के जूस पीते हुए प्रवचन देने आना होता है, वो प्रवचन में महाराज सब शिष्यों को बोलता, जो भक्ति भावना से आंखें मूंद के हाथ जोड़ के बैठे हैं, माया है माया, कुछ नहीं रखा इसमें, ये सब व्यर्थ है। वो महाराज एक्चुअली उनको नहीं बता रहे होते, वो ये बता रहे होते हैं ये सब व्यर्थ है, मैंने जान लिया है, मेरे पास है, मैंने देखा, मैंने 1,00,000 रुपए अब भी लिए हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने जान लिया सब व्यर्थ है, लेकिन मैं इससे छूट नहीं पा रहा हूं। तो मैं ना एक्चुअली तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, मैं खुद को याद दिला रहा हूं, शायद एक दिन मुझे भी अकल आ जाए, चलो तुम भी कर लो या तुम ही कर लो, तुम्हारे थ्रू मुझे आ जाए। इसलिए ऊपर की बातें करना और नीचे के चक्कर पे रहना ये आसान है, बहुत आसान है। आपका कप है, ऊपर ऊपर की क्रीम निकाल के छलका देना बड़ा आसान काम है, नीचे फिर वहीं के वहीं वही हो। हाँ बहुत अच्छे हैं मेरे ना मम्मी जी, बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर नीचे आ गए। लेकिन यहां का शब्द है, लेकिन यहां का शब्द है, क्यों यहां का शब्द है, आप ये शब्द बोलते हैं लेकिन, तो यानी कि शब्द हो दिया, ऊपर का तो मुझे समझ आ गया बहुत अच्छे, लेकिन ये नीचे का खराब है। आप जब ऊपर के चक्कर पर जाते हो तो आप त्याग देते हो, आपको पता ही नहीं है और आपने अनुभव ही नहीं लिया, फिर आप जैन मास्टर का खाक बनोगे। इसलिए गुरु रख लो, अब गुरु किसे रख लो साले, यही नहीं पता, शिष्य बन लो, गुरु मिल ही जाएगा। जब आप उपयुक्त शिष्य होंगे तो गुरु नंबर 1, गुरु नंबर 2, 3, 4 आपको पकड़ लेगा। और जो सच में गुरु है, जो सब ज्ञान के बाद कहता है मैं लकड़ी काटता हूं, खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, सो जाता हूं, वो खींच के ले जाएगा, वो उखाड़ के ले जाएगा आपको, क्योंकि कहेगा ये चाहिए मुझे, मेरे मरने के बाद मैं इसे दे सकता हूं, वो जो मैं किसी को देने लायक ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे मिल ही नहीं रहा। और तब उसके पास वो शक्ति होगी जो शाप और वरदान दे सकता है। सर आपने एक बार एक कहानी बताई थी बाबा गोरखनाथ की, जिन्होंने उसमें 8वें वो डाल के दिए थे, तो सर ऐसे में वो फिर अगर शिष्य भी ढूंढ रहा है तो वो भी तो अहंकार से ढूंढ रहे थे ना, वो अहंकार नहीं चाहिए कि वेस्ट ना हो जाए, तो उन्होंने कर ले ये तो खत्म कर, नदी में फेंक, क्या परवाह मारनी। जिसके द्वारा तुम शक्तिशाली महसूस कर रहे हो वो अहंकार है कि ये विद्या है मेरे पास, मैं शक्तिशाली हूं। तुम भी उस प्रकृति के नियम में हो, तुम्हें भी ईश्वर ही दे रहा है, तुम्हें भी यही जानना है मैं नहीं कर रहा, हो रहा है। ईश्वर नहीं समझता अपने आप को शक्तिशाली, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर इन्होंने पूछा ईश्वर शक्तिशाली है क्या, क्या खुद को नहीं समझता, ईश्वर चिज्जी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी ओमनीसिएंट ओमनीप्रेजेंट, ये ऊर्जा है, ये कॉस्मोस में कॉस्मिक बॉडी एथरिक बॉडी ऐसे चलता है, ये हर जगह है, ईश्वर एग्जिस्टेंस को बोलते हैं। ईश्वर का मुद्दा लेन देन नहीं है, वो सिर्फ बहरा है, तुम्हें उसमें क्या समझना है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, आज क्लास का मतलब क्या है, खूब ऐश करो, खूब सब कुछ करो, जानो, नहीं जान रहे भटक रहे लोग, क्या जरूरत है ऐसी क्लास की, कोई जरूरत नहीं एक धेले की भी, लेकिन क्यों, ताकि आपका जीवन सिंप्लीफाइड हो जाए, आपको आसानी हो जाए, हो तो सब रहा है, मैं तो कह रहा हूं कर लो लालच भी कोई बात, पर जान लो, अहंकार कर लो जान लो, क्रोध भी कर लो जान लो, गलती मिली मान लो, मान लिया झुक जाओ, आप रिफाइन हो जाओ, आप इवॉल्व होते हो, बेहतर होते हो, बड़ी प्यारी बात है ये। हाँ जी बोलो। पर इसमें से दोनों में से कौन सी ज्यादा सही है, एक जिसमें लकड़ी काटता रहा खाता रहा सोता रहा, या एक जो जान गया कि मैं लकड़ी काट रहा हूँ खाना यही जीवन काट रहा, एक तो जाना ही नहीं और वो इसी पेटे को जीता रहा, और एक ने जान गया और फिर वापस आकर पेटे, इन दोनों से बहुत मजेदार बात है, बहुत सुंदर। एक वो है जिसको विजडम आ गई, उन्होंने बोला है कि लकड़ी काटता है और जानता ही नहीं कि लकड़ी काटना है खाना पीना सोना, और एक है लकड़ी काटता है खाता पीता लेकिन उसे पता है कि यही करना चाहिए, दोनों कर तो एक ही रहे हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं, लेकिन ये कष्ट झेले तो जानने के लिए एक दो, हाँ तो या तो स्वाभाविक रूप से कह दो और नहीं काफी, या फिर लालच करके मर के पिट के रोके आखिर में जान लो कि परमात्मा को पाने के बाद भी यही करना है, यानी कि सिंप्लीफाइड होना है, तो भी मैंने कहा कि आपके पास विजडम है चाहे नहीं है। विजडम का पता मतलब क्या है, जो मैंने सीखा मैंने फेंक दिया, नहीं चाहिए ये साला सीखा हो, ये मेरा खून पी रहा है, ये मेरा दिमाग खा रहा है, साथ दे रहो मस्त रहो, कुछ नहीं लेना नहीं कोई देना नहीं,
हमारा सब बढ़िया है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी सादगी मींस गोइंग विद द फ्लो, टाइम कहीं नहीं जा रहा, टाइम ऐसे कांस्टेंट है, ये आज है, ये अगला आज है, ये अगला आज है, अगला आज आज आज, अब हम क्या करते हैं, यहां आने के बाद कहते हैं कल परसों, बस गई जिंदगी, बर्बाद हो गए, क्योंकि आज ही हमने कल और परसों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, गए, दैट इज प्री लिविंग, हम लगातार आज ही जी रहे हैं, फिर होता है संसार नहीं जीने देता यार, दुनिया मानती नहीं, ठीक है 10 साल दे दो जीवन को, पिट लो, तके की औकात जान लो, फिर क्या करो, साला फिर आज फिर सीख जाओ, बोलो हाँ यार कर लिया था भाई, हमने देख लिए, महल में रहने वाला व्यक्ति भिखारी को देख के कहता है साला क्या फक्कड़ आदमी है, साले को कोई लेना देना नहीं, उसे महल और धन ने सुख नहीं दिया, वो साला भिखारी से जलेसी कर रहा है, और भिखारी कह रहा है असली सुख तो इन महलों में है, साला हमारी भी कोई जिंदगी, कुत्तों की औकात क्या बिछौने होंगे, मन मुन्ना को गांठ बांध लो, जो मिल गया वो तो गया, वो तो है ही कम ना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, यानी कि शादी नहीं हुई, होने वाली है, शादी हो गई अब बता, तब बता नहीं सकता, मेरा पति बहुत अच्छा है, वो सब पहले की बात है, जब तक मुन्ना को कुछ मिला नहीं तब तक तो भाई साहब क्या गजब, वो कहते हैं ना ओ भाई साहब नटराजी दही बल्ले खा रखे आपने, और भाई साहब दरिया दरीबे वाले की जलेबी देख रखी है, और यार क्या बनाता है, एक उससे पूछा जो वहीं रहता है, वो बोला खा रखी है यार, कुछ और बात का दिमाग मत खा, और सारा दिन बनती है उसके, पागल हो जाए, उस जलेबी वाले से पूछो भैया अपनी बनाई जलेबी नहीं खाते, बोले पागल हो जाऊंगा मैं, सारा दिन बेच बेच के दिमाग खराब होगा, इसीलिए अपना बच्चा अपनी पत्नी अच्छे नहीं लगते, दूसरे क्यों है नहीं ना, जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं है, उस पर क्लास है कदर, कदर नहीं करते हम जिंदगी की, परमात्मा छीन नहीं चाहे, हमारे एवोल्यूशन इवॉल्व होना, हमें ज्ञान कैसे होगा, सुधार कैसे होगा, देखिए आजकल चल रहा है कोरोना, आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटा, एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा है, कोई जीवाणु है, विषाणु है, कुछ है, वायरस है, पर इसमें भी जीवन है, इतना बड़ा शरीर था हमारा भी जो बनाया पीछे मिटा दिया, उसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, आप बिलीव करेंगे हमारे जो सेल है, हमारे पास 100 खरब सेल है, हर सेल के अंदर भी यही सिस्टम है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप जो सेल में देख रहे हैं वो हमारे शरीर में भी और वही बाहर भी है कॉस्मोस में सेम, तो ये इतना छोटा है इत्तु सा, और ये इत्तु सा जो एक सेल के ऊपर अटैक करता है इसमें भी सब है, अब ये कोरोना क्या चाहता है, ये चाहता है जीना, और अगर इसे लिफ्ट मिल जाए तो बेस्ट हो जाए, पर ये जीना चाहता है, ठीक है कि मैंने जीना है, जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, हम धरती क्या है, अगर हम धरती के हिसाब से इतनी बड़ी धरती है अपना साइज देखें तो क्या है धरती के आगे, हम तू है इतने तो तू है, अब उस मनुष्य ने क्या किया है, सबसे तगड़ा सबसे स्ट्रांग है अपने आप में, इसने धरती का दोहन कर डाला, ऐसी की तैसी फेर डाली, एसी लगा डाले, हीटर लगा डाले, अपने लिए रहने के लिए बंकर्स बना दिए, सारा बेसमेंट खोद डाली, भाई साहब फाइट कर रहा है, शुरू शुरू में धरती ने क्या किया, पीटा पटका मर गए, फिर रिकॉर्ड हुए, अगले वाले जो बच गए उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हमने ऐसे करेंगे भाई साहब, अब देखना भाई साहब, वो सरवाइव कर गए, उनके साथ कुछ नया पंगा हो गया, धरती ने फिर उन्हें पीटा, संसार ने कॉस्मोस ने धरती ने ब्रह्मांड ने पीटा, मर गए, फिर अगले बच्चे, उन्होंने कहा नहीं अब हम ऐसा करेंगे भाई साहब, हम ये बनाएंगे, अब हम हवाई जहाज बना लेंगे, अब हम मोबाइल बना लेंगे, इवॉल्व हो रहे हैं हम, अपने से बेहतर वर्जन बनते चले जा रहे हैं, मैंने जो बेवकूफियां 10 साल की एज में की वो 15 साल की एज तक मुझे बेवकूफी नहीं लगी, 15 साल में मुझे पता चला यार यार 10 में तो भाई बिल्कुल लल्लू थे, पर आवा कल आइए भाई, फिर जब हम 25 के हुए तब तक हमें लगा हमसे बड़ा शहनशाह नहीं, 25 आते ही हमें पता लगा यार कितने गधे थे हम पिछले 10 साल से, फिर 25 में हमने कहा ओके, फिर 40 में पता चला यार 25 में मैं इतना ऊद बिलाव था भाई, लगता था दुनिया मार दूं, लेकिन अकल मुझे थी, और अब समझ आ रहा यार नहीं थी, फिर आता 40 के बाद की उम्र का कोई समय जब हम ये जान जाते हैं पूरे जन्म अकल नहीं आएगी, हर 5 साल में लगेगा पहले बेवकूफ था आज अकल है, तो आज भी अकल नहीं है, जब ये जान गए ज्ञान हो गया, अहंकार उड़ गया, छेनू आउट हो गया, लगातार हम बेहतर होते चले जा रहे हैं, अब हम लड़ रहे हैं प्रकृति से, लड़ रहे हैं धरती से, लड़ रहे हैं उसका दोहन कर रहे हैं, हमने आग लगा दी, कूड़ा फेंक दिया, गंदगी मचा दी, कीचड़ कर दिया, धरती भी लड़ रही है, वो अर्थक्वेक ले आती है, वो मौसम बदल देती है, वो अपने आप में हमारे को ग्लेशियर पिघाल देती है, उसके बाद गर्मी के कारण से बरसातों का हिसाब बदल जाता है, मौसम चेंज हो रहे हैं, इतना कुछ युद्ध चल रहा है सही, हम लड़े जा रहे हैं, अब आ गए कोरोना अंकल, अब ये कोरोना का जो वायरस है ये आ गया नया नया, इसने कहा मुझे जीना है,
ये पैरासाइट बन के होस्ट पे आ गया। होस्ट मतलब हम, जैसे हम पैरासाइट है, धरती होस्ट है, हम धरती से चिपट के जीते हैं, उसका नाश पीटते हैं, खुद को जीना नहीं छोड़ते, धरती नष्ट होती है। ऐसे अब ये आ गया, मनुष्य के शरीर में घुस गया, इसने मनुष्यों का शरीर खा लिया, मार लिया, 14 दिन का अपना पूरा जीवन जिया। जैसे मनुष्य ने 100 साल अपनी जिंदगी जीनी है, फिर धरती का नाश पिटता, पिटे साले ऐसी की तैसी मुझे लेन देन नहीं, मैंने 100 साल अपने काट लिया, 80-60 जो काटे मेरा टाइम पूरा। ऐसे कोरोना 14 दिन के लिए लड़ता है, हमने क्या किया, पिट लिए, मर लिए, बर्बाद हो गए। फिर हमें अकल आई, ओ तेरी, ओ मेरी, ओ सबकी, चलो जी फाइटिंग शुरू हो गई। कोरोना ने कहा मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, खत्म हो रहा हूं। फिर इसने कहा कोई बात नहीं, मैं नया वेरिएंट लाता हूं। फिर इसने चेंज होना शुरू किया, फिर इसने अंदर अंदर लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई है लड़ाई, बधाई हो बधाई, ऐसे ये होता है, ये एक्सरसाइज है। तो उसने क्या किया, लड़ाई करनी शुरू कर दी और रुक गया। फिर हमने वैक्सीन लगा दी, फिर वैक्सीन से कोरोना मरने लगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं मरूंगा, श्री राम मेरे भी है। इसने भी राम का नाम लिया, अब उसने डेल्टा वेरिएंट बना दिया है। पहली वेव जीत गया मनुष्य, हे, फिर दूसरी वेव आ गई, फिर वही हो गई, फिर इसको भी इंसान जीत लेगा। फिर अब डेल्टा वेरिएंट आ गया जो ये कहता है कि आप पहला और दूसरा इंजेक्शन लगा लें, फिर भी ना छोड़ूंगा, मार के ही दम लूंगा। अब मनुष्य कुछ और करेगा, फिर ये कुछ और करेगा, ये होस्ट इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व। आप समझदार बनते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है, सारे की सारे ज्ञान, सारे फास्ट फूड, सारे जंक, सारे कीचड़ पीना, पेप्सी फैप्सी, अकल आ गई ना। कहां जा रहे हैं हम, काढ़ों पे जा रहे, काढ़ों पे। क्या खा रहे हैं, सनलाइट में बैठ रहे, सनलाइट में। क्या क्या दे रहे बंदे को, लिक्विड फ्लूइड डाइट। क्या करा रहे, अंदर बैठो, अंदर बैठो, प्रकृति से मत लड़ो, बचाओ खुद को, बचाओ। सत्युग आ रहा है, बच्चे घर में, पति बाहर जा नहीं रहा, कोई शक शुबा नहीं रह गया है, कोई झगड़ा नहीं है, बच्चे सुट्टा नहीं मार सकते, पहले सारा दिन बाहर पीते थे, अब घर बैठे फंसे पड़े हैं। कितना जीवन परिवर्तित है, कितना स्वर्ग आ रहा है, कोई सोच सकता है धरती पे। प्रेमी दुखी है सिर्फ, कब मिलोगे, अब यार लॉकडाउन लगा, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, था अफेयर चेंज हो गए, कोई कहीं की कहीं था, कहीं की कहीं सेट हो गया। क्या हो रहा है, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, आखिर में हम क्या रियलाइज कर रहे हैं। वैसे ही रहो भाई, जैसे आयुर्वेद रहा करता था, जय श्री बाबा रामदेव। क्या हो रहा है, हम मनुष्यों को इवॉल्व होना है, ऊर्जा के तौर पे, शरीर के तौर पे हम बहुत इवॉल्व हुए, हमने बहुत झंझट जाने, पैसा बहुत बनाया, नाम बहुत बनाया, मकान बहुत बनाए, यार ऊर्जा भी तो है, शांति किधर है, प्रेम किधर है, ये जो ऊर्जा शरीर को चलाएगी, सुख देगी शरीर का, वो किधर है। पगले सुधर जा। तो जब तक आप अपने जीवन में ये आनंद नहीं लाओगे, तब तक ठीक नहीं होगा। आनंद क्या होता है, आनंद बड़ी मजेदार चीज। मेरे पास रिसेंटली कोई आए जो पीड़ित थे, शरीर से पीड़ित थे, सारा दिन थके रहते हैं, शरीर में जान नहीं है, बच्चों से कलेश है, पोते पोतियां उनसे टेंशन है, मतलब इतना प्यारा आदमी था और वो बुजुर्ग बुढ़ा हो गया। अब वो बच्चे भी आए, घर के लोग परेशान, बाप ने तंग कर रखा, साले हमारे बच्चों को नहीं जीने दे रहा, ये कह रहा ये करो वो करो। बोले बेटा क्या कमी छोड़ते हैं, कमी को नहीं छोड़ते, ज्यादा कलेश है, गाड़ी बदल दो, ये ले आओ वो ले आओ, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, हो क्या रहा है। तो ले आए अपने पापा को, दादा को, जो बन चुके हैं भाई जी, हाँ जी क्या हाल, ब्रजेश जी बताओ जी, ये जी वही फलाना ढिमकाना। मैंने कहा यार अब एक चीज बताए, लास्ट टाइम कुत्तों की तरह, पागलों की तरह, ये शब्द बोल के बोला, कुत्तों की तरह, कुत्ते बोलने से थोड़ा बेइज्जती होती है ना, अच्छा सा नहीं लगता है, तो बंदे में घंटी बज जाती है, फिर ऐसा होता है, अलर्ट हो जाता है, छेनू ऑन हो जाता है, क्या क्या हो क्या रहा है, इंटरेस्ट लेने लगता है बंदा। मैंने कहा कुत्तों की तरह, पागलों की तरह लास्ट कब हंसे थे आप। बोले जी कुत्ते कहां हंसते, मैंने कहा उसको एडिट कर दे, पागलों की तरह कब हंसे थे। तो बोले जी ऐसी मुंडी घूमी पता नहीं कौन से साल में जा रही है। मैंने कहा बताओ, वो शाखा वाले हंसते ना सुबह, लोग कहते हैं अब कुत्तों की तरह हंस रहे, सारे पागल हो गए ऐसे हंसते। मैं कब हंसे थे, हंस के दिखाया मैंने उन्हें। बोले अब क्या हंसे, अब क्या जिंदगी में रह गया। मैंने कहा गाड़ियों की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, साला बात मुझसे करने आया हो कि यूके में सेट हो जाए, कि न्यूजीलैंड में सेट हो जाए, कि कनाडा सेट हो जाए, हम पैसे खर्च के चले जाएंगे, बिल्डिंग खरीद लेंगे, पंप ले लेंगे, स्टोर ले लेंगे, पैसे कोई कमी नहीं है, फिर क्या जिंदगी में क्या रह गया। हाँ जी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा फिर बताएं, पागलों की तरह लास्ट कब हंसे थे। पता नहीं। मैंने कहा 5 साल हो गए। 5 तो हो गए होंगे। मैंने कहा तो फिर हंसते हो। हाँ हंसते मुस्कुराते ऐसे क्यों नहीं। मैंने कहा तो पत्ते खेलते हो, पत्ते। नहीं मैं ये सब बैडमिंटन गुडमिंटन कुछ भी खेलते हो, कुछ ऐसे किताब विताब पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ पागलपन करते हो।
पत्ते खेलो सात सात घंटे, बोले सात घंटे, मैंने कहा छह खेल लो भाई, पागल हो गए डूब। आप जब कोई कार्य करके डूब गए हैं, आपका पूरा जो मानसिकता, पूरी ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड जो आपके अंदर है वो उसमें जा चुका है, समर्पित हो गए आप। तो उनको अचानक जलन हुई अपनी पत्नी से, हाँ अब समझ आया, वो सारा दिन खेलती रहती है, गेम खेलती रहती है। मैं भी कहता हूं इतना कैसे खेल सकता है कोई, और खुश रहती है। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा कलेश है, वो फालतू में खुश रहती है। मैंने कहा खुश रहा ही फालतू में जा सकता है, क्या हुआ उनके साथ, वो हर काज बात में मतलब यूज कर रहे लगे, लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, इस बात का मतलब बताए, इसका मतलब क्या है, इसका ये समझना जरूरी है। अबे क्या करना है, सब कुछ समझ के मस्ती कब मारोगे? आप खुश सिर्फ उस बात पे हो सकते हो जिसका ना सिर ना पैरा भगे, क्या पागलों वाली बात है, क्या पागलों वाली बात है। वो कहते हैं भैंस चढ़ गई पेड़ पे, कहानी सुने, भैंस चढ़ गई पेड़ पे, भाई छप छप गुलर खाए, तो गुलर नहीं होते वो छोटे छोटे दाने होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता ये बात है। भैंस चढ़ गई पेड़ पे, भाई छप छप गुलर खाए, भाई वो छोटे छोटे दाने होते हैं बस वो खाने वाली बात। भैंस चढ़ गई पेड़ पे, छप छप गुलर खाए, अब आगे तो बोल, तो दाल पकाएगी मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये बकवास पे कौन हंस सकता है, जो साले क्या बकवास करी है वो हंस सकता है, बाकी सब कहेंगे यार कोई पागल तो नहीं आदमी, दिमाग तो खराब है, कोई बात है। और वो सारे के सारे घर में दुखी होंगे और उनके बच्चे भी दुखी होंगे और नींद ढंग से आती नहीं होगी और वो गोलियां खाते हैं। तो मतलब इसको बोला क्या इसने? वो लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, राइट ब्रेन आनंद का ब्रेन है, राइट ब्रेन से होता है, लेफ्ट ब्रेन करता है। हम जब राइट ब्रेन पे जाते हैं तभी समर्पित कर सकते हैं ईश्वर को और मुक्त हो सकते हैं। क्या टेंशन होती है, आप पिता है, आपकी टेंशन क्या है, बेटा क्या करेगा, लिखा के लाए नसीब, बेटी क्या करेगी वो भी लाई लिखा के, मामा जी क्या करेंगे, कल क्या होगा, अरे जो होना हो ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप राइट ब्रेन पे आप कहेंगे मैं जा रहा हूं दोस्तों से मिलने, कुत्ता घुमा के आता हूं, आप तो दूध ले आऊंगा, पार्टी चल रही है अपनी, मजे है यार, दो सुट्टे मार लिए, कुछ पी ली रात को, ड्रिंक कुछ भी किया, आप अपने में हो, आपके लिए घर के सब लोग क्या कहेंगे, कितने स्वार्थी यार, इन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई मर रहा है जी रहा है, मामा है भाई है चाचा सब कहेंगे बोल बोल के थक गए, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। और आप आनंद में, आप सुखी और आपका शरीर ठीक है और आप बड़े हो जाओगे, बुड्ढे हो ही नहीं पाओगे। सर मेरे फादर इन लॉ 94 के गए हैं लास्ट ईयर, और उनको सब कहते थे फैमिली वाले कि सेल्फिश हैं पापा जी, और वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, गलत उल्टा सीधा कुछ भी नहीं, और पर वो 94 तक भी अपने आप चलते फिरते रहे और कोई किसी से सेवा नहीं कर रहा। तो अब आपको आज पता चल गया कि सुधरना कैसे है। वो तो उनसे सीखते थे हम लोग, जान लो आज सुधर जाओ, किसने क्या बोला, छेलू है ही नहीं, बुरा मानते ही नहीं किसी का, अच्छा मानते ही नहीं किसी के चक्कर में फंसते ही नहीं, अधिकार क्षेत्र के लिए छह लोग यूज करते हैं, झड़क दिया दफाओ, इज्जत बेइज्जती का कोई लेना देना नहीं, अपने में जिए भाड़ में जाए काफी है, कोई फालतू के बेवकूफी के सपने ही नहीं है कि दिमाग खराब कर रखा है हमने, हम तो बंगला बनाएंगे न्यारा, उसमें क्या करेंगे, कमरे में तो रहना खुश। ये खुशी, ये 95 साल की उम्र में उनके शरीर का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि चल रही है, ये रीजन है वो सुधरा हुआ है, बाकी पगले हैं, रोज दुखी हो रहे हैं, रोज मतलब घड़ी टाइमर लगा के दुखी हो रहे हैं कि भाई टाइम हो गया, वो दुखी होने का टाइम हो गया, वो पहला वाला खत्म हुआ नहीं, पहला तो नहीं हुआ, चल ये साथ रख ले, साथ ले इसको भी लिया, ये दो दुख मिलाएंगे इकट्ठा, हम शाम हो गई प्लेट भर गई तेरी, तो एक काम करना बीमारी लगा ले, एक एक करके करते हैं बीमारी लगा ले, हाँ दुखी हो लेते हैं इकट्ठा, वो सेटिंग कर रखी, खुश होना ही है, पागलों की तरह कब हंसे थे, कब दीवाने हुए थे, सपने खत्म नहीं हो रहे, एक बार एक मंजिल मिल जाए, घर बन जाए न्यारा, अबे रहना तो तुम नहीं है उसमें, खुश हो लो, मैं चाहता हूँ ये हो जाए, ये जो मैं चाहता हूँ ना, और ये है मुन्ना पीछे से पंप कर रहा है, खाले खाले मीठा दिख रहा है, खाले 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 नाक पीट दे अपनी जिंदगी का, आज दिन रात नींद हराम कर दे, लोन ले ले पागल हो जा, पगले सुधर जा। लास्ट एक्सरसाइज बताता हूँ, इसके लिए मैं काफी चीजें रह जाएंगी लेकिन लेट हो गया। आपने करना क्या है, अपने अंदर ज्ञान लाने के लिए, अब जो कीचड़ छेनू कर चुका है, मुन्ना धक्के मार चुका है, पगला बना चुका है, उसके लिए आपने करना, आपने एक पेपर पेन लेना है, उस पर लिखना है, सब लिख डालो, मैं बताना छोड़ गया, ये जो है ना मुंह, यहां से सब हमारा नीचे मूला स्वादिष्ठाना है ना, ये स्वादिष्ठाना के इलाके में ही हम मल और मूत्र है हमारा, हम मूत्र विसर्जन करते हैं, गंदगी बाहर फेंक देते हैं, हम इस खोपड़ी की जो गंदगी है एक्सक्रीशन वो भी यहीं से करते हैं, यहीं से जाता सारा, कर डालो, बोल दो, सब कुछ बोल दो, बोलो, गाली बकोगे इफेक्ट होगा, माफी मांगोगे इफेक्ट होगा, दोनों चीज का इफेक्ट है। सर अकेले में ना
अकेले में कर, सामने वाले को बोल बैठे हो तो बेस्ट है, आपकी अधिकार क्षेत्र की रक्षा भी हो जाएगी और जिससे गलती से आपने माफी मांगनी है उससे माफी भी हो जाएगी, वो तो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ। अगर नहीं हो रहा तो अकेले में करो। अब इसके लिए क्या करो, ये तो हो गया मुंह से, अब यह केतु नीचे बॉडी, बॉडी से क्या करो, लिखो। शरीर के सिस्टम से बाहर निकालना ना, हमारी जो हम मल मूत्र करते हैं, हम गंदगी करते हैं, कहां से करते हैं, यहीं से करते हैं ना, सारा गंद यहीं से निकालते हैं, ना कहा थू सब फेंका, थूका उल्टी आई बाहर, नीचे मलमूत्र, तो ये हमारा निष्कासन का एरिया भी फेंक दो, ठीक है, ये निकल गया गंदगी, अमृत रह गया पीछे सारा, आपका पेट साफ हो गया, जीवन का सुख है। 60 साल की उम्र में मनुष्य ये नहीं कहता कि भाई साहब आज कौन सा मैच आ रहा है, कहता है पेट साफ हो गया, थोड़ा दस्त हो गया लेकिन ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। ही इज हैप्पी विद लूज मोशन, उसको लूज मोशन से भी आराम है क्योंकि पेट साफ हो, सुख के स्वरूप बदल जाते हैं उम्र के साथ। आपकी बॉडी से क्या करना है, आपने लिखना है, पेपर पेन लिया लिख लिया, दूसरा तरीका है व्हाट्सएप पे लिख लो, एक ही बात है, वो पेपर पेन है उस पर लिख लिया, मन के उद्गार लिखे, ये है ये है ये है, मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे दूसरे में ये गलती दिखी, मुझे मुझ में भी ये गलती दिखी। ऐसा बोलने में शर्म आती है, किसी को बोल नहीं सकते हम मुझ में, मेरी गलती नहीं होती, मैं नहीं नहीं, दूसरा ही गलत होता है। आज हम बात कर रहे हैं पगले सुधर जा, अपनी ऊर्जा ठीक कर, तेरी ऊर्जा ठीक होगी दूसरा ठीक हो जाएगा, तू ठीक होगा तेरा धन ठीक हो जाएगा, तेरा मन ठीक हो जाएगा, तेरे जीवन में शांति बरकत सब आ जाएगी। आपने लिखना है मुझे मेरी ये गलती दिख रही है, मुझे मेरी ये गलती नहीं दिख रही है, ये भी लिखना है, गलती है दिख नहीं रही है, ये पहले तो मान के चलो गलती तो हम में भी है, दूसरे में भी है, हम में भी है, दूसरे की ही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक आदमी की शादी हो दो की शादी होती है, ऐसा नहीं होता। ये कलम चाहिए सब लिख लेगी, इस पे लिखेगी, इसके बिना कहां से लिखेगी, इस पे लिखा जा सकता है, इसके बिना लिखा नहीं जा सकता। द्वैत दो की दुनिया है ये, अद्वैत में ऊर्जा ने जाना है, चिज्जी द्वैत है, ड्वैलिटी नॉन ड्वैलिटी मानसिक ऊर्जा। पेपर पेन लिखा, इसके सारे बकवास अपने लिख डाली, दुख की क्लेश की माफी लिख दी, गलती जान ली वो लिख ली, उसके बाद व्हाट्सएप में कर लेते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप बना लें आप, उसमें आप खुद को ज्वाइन करें, यू और 1+1 एक और कर ले, उसके बाद इस ग्रुप के अंदर इन दोनों को उड़ा दें, तो एक ग्रुप रह जाएगा आपके पास और इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे। फिर ये जो लिखा है इसको खुद को भेज दो, ये खुद को भेज दो। इस ग्रुप का नाम क्या रखोगे आप, इस ग्रुप का नाम रखोगे आप परमात्मा, या लिखोगे सेल्फ, या लिखोगे कॉस्मोस, या लिखोगे माता रानी, जिसको पिता राना, जो जिसको पसंद है, या आपने उसको भेज दिया, आपने उल्टी कर दिया, पॉटी कर दी, सुसु कर दिया, बाहर निकाल दिया आपने, फिर आपको हिम्मत आएगी, व्यक्ति के साथ भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, अपने आप आएगी, ऑटोमेटिक आएगी ये ऊर्जा, अपने आप गंदगी निकलनी चाहिए, शरीर से चिज्जी मल मूत्र चिज्जी है, ऊर्जा मानसिक विचार है, विचार निकल गए बाहर, ये आपने खुद को भेज दिया। और फिर आपने सोचना है एकमात्र बात, अब ये परमात्मा की प्रॉब्लम है मेरी नहीं है। सर सेम ऐसा ब्रह्म कुमारी में मेरी एक फ्रेंड है, वो जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको ये सिखाया जाता है, जैसे वो लोग अपने सेंटर पे जाते हैं, उनका आईडिया है? अच्छा हाँ जी, वो सेंटर पे जाते हैं तो उनकी एक मतलब बॉक्स बना होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो बाबा को जैसे मानते हैं तो वो बाबा के लिए चिट्ठी लिखते हैं और उसमें डाल देते हैं। चलो ऐसा करो, मान लेते हैं एडवांस में चोरी हो गया। मन के उद्गार है, इनको निकाल दो, तो ये शब्द लेके आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया खुद को ग्रुप में, या आपका कोई सगा है प्यारा है जिससे लगता है भेज सकते हैं, जो आपको प्यार करना नहीं छोड़ेगा भले ही उसे आप कुछ भी बता दो, उसको भेज दो। जब आपने भेज दिया तो आपका एक केंद्र रहना चाहिए, अब ये परमात्मा की प्रॉब्लम है मेरी नहीं, आप सेल्फ हो, एक सेल्फ है जो आप हो, आप कौन हो, जो मेरी बातें समझ रहा है, जो मैं बकवास यहां कर रहा हूं वो सब बातों की बकवास में से ज्ञान जो निकाल रहे हैं वो आप है, वो है स्वयं। छेनू भी आपके अंदर है, मुन्ना भी आप में, टिंकू भी साथ बैठा है, समझने वाला है स्वयं। जब आपने स्वयं को मुन्ना से अलग कर दिया कि भाई मुन्ना ये तेरी प्रॉब्लम, तेरा तो दिमाग खराब, तूने मेरा भी कर रखा दिमाग खराब, तेरी प्रॉब्लम है, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तेरे नसीब में तो ले ले, नसीब तू ही है, मेरे को पागल मत कर, मैंने रहना मस्त, मुन्ना जेब में घूमेगा, मुन्ना आपके सैकड़ों काम करा के देगा, कब तक, जब तक लॉलीपॉप में फंस ना जाओ, और जिस दिन लॉलीपॉप में फंस गए फिर टांग घसीट लेगा, साले इधर आप तुझे तंग कर रखा है, इतने दिन से मेरे कब्जे में नहीं था। इसलिए बड़े बड़े जो गुरु घंटाल है, बड़े बड़े जो है जो ज्ञान रखते हैं, बेवकूफ बनाने का भी ज्ञान रखते हैं, उनके पास धन बहुत होता है, मान सम्मान बहुत होता है, उनके काम सारे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, मुन्ना प्रलोभन देता है, चिज्जियां देता है और उनके काम हो जाते हैं। इसलिए
पगले सुधर जा, जान ले आज भी तू क्या है, ऊर्जा के रूप में अलग और चिज्जी के रूप में अलग। जैसे ही आप दोनों अलग करके सेटल कर दोगे, लाइफ में सिर्फ सुख है। अगर हम उसको पेपर पे लिखेंगे तो उसके बाद क्या करना है? इन्होंने पूछा अगर पेपर पे लिखेंगे तो उसके बाद क्या करना है, बड़ा डिफिकल्ट हो गया, मुझे क्या पता क्या करना। पेपर किसी को दे दो, पेपर पे पढ़ ले, उस पेपर को एक डस्टबिन में डाल दो, उस डस्टबिन का नाम रख लो परमात्मा। परमात्मा को डस्टबिन बनने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र है, हर जगह है। उसको दे दो, उसको देना है किसी को, कोई बिग डील नहीं है। नहीं तो उस पेपर को चलते फिरते सड़क पे अनजान नहीं किसी को पकड़ा दे रही आपके लिए। हाँ खत्म। वो यही सोचेगा बड़े दुखी है बेचारे, गलती से दिया हुआ पर लिखा वही जो मेरे में भी है। इसकी फोटो कॉपी नहीं होगी ना, क्योंकि आपने दे दिया ना, अब आपका नहीं रही प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये रही इसकी फोटो कॉपी नहीं बनेगी, क्योंकि मम्मी ने फोटो कॉपी बनानी होती है रोज सुबह। बेटा तेरे दर्द का क्या हुआ तेरे? वो कह रहा मम्मी कब का गायब। एक बंदे को चोट लगती है पैर पे, डॉक्टर से स्टेरॉइड लगाते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है, पैर का सिर से कनेक्शन काट देता है। उस बंदे को 2-3 महीने दर्द ही महसूस नहीं होता, और वो इसके बाद इसके बारे में बात भी नहीं करता मामा चाचा भाई भतीजे से। धीरे धीरे पैर अपने आप को हील कर देता है, 50% 60% जितना भी कर देता है उतना बाकी कर देता है। इसने उसको बढ़ने नहीं दिया, 3 महीने में असर खत्म स्टेरॉइड का, लगता है रिलीफ है, पहले से बेटर है। आप स्टेरॉइड नहीं लगा रहे, आपने क्या किया, आपने कलेश मचा दिया और वो पैर सूज के फिर ऑपरेशन। ये जो मैंने पेपर पे लिखा है व्हाट्सएप पे अपने आप को भेज दिया, अगर वो हम दोबारा करते हैं तो उसका कोई इंपैक्ट तो क्या? इन्होंने बोला कि अगर हमने पेपर पे लिख दिया व्हाट्सएप पे खुद को भेज दिया, अगर हम दोबारा पढ़ते तो उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता। पर वो तो परमात्मा की चीज है, आपको क्या लेना देना, उसका हेडेक है आपको क्या लेना देना, पड़ोसी के घर में कोई मौत हो गई आपको क्या लेना देना है, उतना लेना देना है। सेल्फ को मुन्ना से अलग किया है आपने, किया है कि नहीं किया पहले डिसाइड करो। मैसेज लिखते फिर भी अलग नहीं किया तो फिर तो वही चलता रहेगा सेम टू सेम। ठीक है जी, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार आने के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक यू भैया, प्रणाम नमस्कार। डिस्को हो गया, डिस्को डिस्को डिस्कनेक्शन, चलो भागम भाग। ओके जी जी जी।